झज्जर बहादुरगढ़ के बाद रोहतक में भी एनसीईआरटी की नकली किताब बेच सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले बुक सेलरों पर आज सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। रोहतक की नई अनाज मंडी में स्थित एक बुक सेलर पर छापेमारी करते हुए किताबों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जो लैब में भेजे जाएंगे। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी गोरखपुर राणा ने कहा कि कलेक्ट किए गए सैंपल नकली लग रहे हैं, अगर ऐसा पाया गया तो बुक सेलर पर कार्रवाई की जाएगी। आज सर एडमिशन का समय है और जो एनसीईआरटी की बुकों का है ना भरपूर प्रयोग किया जा रहा है कॉपी, क्या लगता है आज सीएम फ्लाइंग ने भी छापा मारा है, क्या मिला उसके अंदर, क्या खामियां? ये कई दिन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि एनसीईआरटी की जो हमने टीम का गठन करके आज बुला के अधिकारी वहाँ से बुलाए थे। एक दो दिन पहले हमने झज्जर में भी प्रयास किया था, बहादुरगढ़ में, वहाँ भी कामयाबी मिली थी पुलिस को। और आज सुबह हमने एक आशा बुक डिपो के नाम से है तो वहाँ पर रेड करवाई है। रेड कराने के बाद कुछ हमें बुक्स मिली हैं इसमें, तो उस पर लीगल एक्शन हम ले रहे हैं और कोशिश यही है कि बच्चों को जेन्युइन बुक्स पढ़ने को मिले। ये फर्जी दो नंबर की किताबें डुप्लीकेट बनाते हैं लोग, जो इनके पीछे हैं उनको हम कार्रवाई करेंगे। क्या खामियां मिली हैं अभी तक एनसीईआरटी की टीम साथ में? जी जी, बस वही है जो बुक्स मिली हैं कुछ, उनको हम चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद हमें फिलहाल ये लग रहा है कि नकली बुक्स हैं, बाकी इनको चेक करने के लिए भेजेंगे आगे, जैसे रिपोर्ट आई है फिर कार्रवाई। मुकदमा दर्ज होगा इसमें? नकली, हाँ नकली बुक्स का, कॉपीराइट का पर्चा दर्ज करेंगे इसमें। जी, क्या